स्वतंत्रता दिवस के चलते आतंकियों द्वारा जम्मू में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक की इनपुट के चलते सांबा के घगवाल में पुलिस ने हथियारों से भरा बैग बरामद किया है। इस बैग में मिले हथियारों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकी कोई बड़ी फिराक में थे। जेएंडके के घगवाल पुलिस स्टेशन के अधीन राजपुरा में पुलिस को खेतों में से एक बैग बरामद हुआ है। बैग में 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन, 122 गोलियां और एक साइलेंसर था। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। ये बॉर्डर से कोई 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ये गांव सारथियां है, राजपुरा सेक्टर में आता है। तो जैसे ही आज ट्रिप 6 जकलाई के और पुलिस ने सर्च स्टार्ट की, अर्ली मॉर्निंग में उनको एक संदिग्ध बैग मिला। बैग को खोले जाने पे पता चला कि उसमें कुछ आर्म्स एमुनिशन है, जिसकी डिटेल आपको बाद में बता दी जाएगी। अब ये आर्म्स एमुनिशन इस एरिया में कैसे आए, क्या ये ड्रोन ड्रॉपिंग है या कोई इसको उठा के कहीं और ले जा रहा था, कोई कुरियर था इसमें, ये सब विषय जो है वो इन्वेस्टिगेशन का है। जब तक वो क्लियर नहीं होता कुछ नहीं कहा जा सकता। थैंक यू। 2 ग्रेनेड हुए हैं इसमें, 5 मैगजीन्स हुई हैं और कुछ एमुनिशन हुआ है पिस्टल का ही। लेकिन लगातार ये ड्रोन एक्टिविटी देखी जा रही, किस तरह से देख रहे हैं? ड्रोन एक्टिविटीज के साथ हम इसको डायरेक्टली एसोसिएट नहीं कर सकते जब तक हमें एविडेंस वगैरह ना मिले, बट ये भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती कि ड्रोन ड्रॉपिंग ही हो। अंतरराष्ट्रीय सीमा का ये इलाका किस तरह से यहाँ पर सर्चेज चलाई जा रही है आपकी तरफ से? बहुत सेंसिटिव इलाका है, जहाँ पे पहले भी इंसिडेंट्स हुए हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए और इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन नजदीक आ रही है, इस हिसाब से भी पूरे एरिया को जो है वो हम सर्च पे रखा हुआ है। ये पुराना एक इन्फिल्ट्रेशन रूट माना जाता है बब्बरवाल, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? बिल्कुल माना गया है कि यहाँ पे माना क्या गया है, जहाँ पे हुई भी है इन्फिल्ट्रेशन, सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन भी हुई है और कुछ को जो है वो हमने फाइल भी किया है, तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए इस एरिया को हम कभी भी लाइटली नहीं लेते हैं। थैंक यू। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway. प्लस टू तक तो मैं पढ़ाई में ठीक ठाक थी, पर ग्रेजुएशन में आने के बाद मेरा पढ़ाई से मन सा उठने लगा। मन चाहे प्यार से शादी, कौन नहीं करना चाहता। कारोबार में हो रहा घाटा, आदमी परेशान तो होगा ही। अब पठानकोट मामून में खुल चुका है इंपोर्टेड फ्लावर डेकोरेशन की दुनिया में नया नाम, फर्न्स एंड पेटल्स, जिसमें आपको मिलेगी फ्लावर डेकोरेशन यूनिक एंड स्टाइलिश। आवर स्पेशलिटीज ऑर्डर बाय फोन, फ्री होम डिलीवरी, फ्लोरल अरेंजमेंट्स फॉर ऑफिसेज, डेकोरेशंस फॉर वेडिंग फंक्शंस, रूम डेकोरेशन, कार डेकोरेशन, आर्टिफिशियल एंड ड्राइड फ्लावर्स, ट्राउजर पैकिंग, वेडिंग गार्लैंड्स, डेकोरेशन फॉर स्मॉल पार्टीज, कॉन्फ्रेंसेज एंड फैशन शोज। सो विजिट टू फर्न्स एंड पेटल्स, अपोजिट महिंद्रा शोरूम, नियर कैप्सन्स रोजी रोड, मामून, पठानकोट। रागी होम डेकोर, गिव योर होम, ऑफिसेज, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल, सीलिंग, फर्नीचर एंड डोर पैनल, एन एलिगेंट लुक, एक्सपर्ट इन यूवी पीवीसी वॉल, वॉलपेपर्स, पार्टीशन जाली, आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार सवारे, वार्ड नंबर 11, नियर नोबेल्टी मॉल, ममून रोड, पठानकोट।